नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे। देशभर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो व्हाट्सएप का नया फीचर लॉन्च, अब चुटकियों में मिलेगी पुरानी चैट और फोटो और वीडियो। व्हाट्सएप में हर दिन मैसेज, फोटो और वीडियो को शेयर जो है वो किया जाता है। ऐसे में अगर आप पुरानी फोटो वीडियो या फिर चैट को अगर ढूंढना चाहते हैं तो पहले जो है काफी मशक्कत इसके लिए करने पड़ती थी, लेकिन अब जो है चुटकियों में पुरानी चैट और फोटो और वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। दरअसल व्हाट्सएप की ओर से एक नया फीचर जो है पेश किया गया, जिसकी मदद से डेट के हिसाब से पुरानी चैट और फोटो वीडियो को जो है आसानी से आप सर्च कर पाएंगे। वही व्हाट्सएप ने सर्च बाय डेट फीचर को जो है वो लॉन्च किया है, जिसे पुरानी चैट को सेकंड्स में जो है वो शेयर यहाँ पर सर्च जो है वो आप कर पाएंगे। ये किसी भी पुरानी चैट को सर्च करने का सबसे आसान तरीका है। वही मार्क जुकरबर्ग जो है मेटा के जो मालिक जो है, उन्होंने खुद अपने चैनल के जरिए व्हाट्सएप के नए फीचर की जानकारी यहाँ पर दी है। साथ ही वीडियो शेयर करके बताया है कि आके इस फीचर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मार्क जुकरबर्ग ने पूरा वीडियो शेयर करके जो है यहाँ पर बताया, अगर कोई पुरानी चैट अगर आपको सर्च करनी है तो आपको सबसे पहले जिस कंटेंट लिस्ट की चैट को सर्च करनी है उसकी प्रोफाइल पर जाना होगा। उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिखेगी, जिसमें आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जिस डेट की चैट सर्च करनी है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आप उस खास व्हाट्सएप चैट को जो है सर्च कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर जो है व्हाट्सएप की ओर से जारी किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ है आसान, सरकार ने नियमों में किया है संशोधन। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO जाने और लंबी लाइनों का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को काफी सरल कर दिया गया है। अब ड्राइविंग टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तों में किए गए बदलाव के बाद जो बदलाव है उसके मुताबिक अब आपको RTO पे जाकर जो है किसी प्रकार के ड्राइविंग टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों की घोषणा की और ये सब अब प्रभावी है। राहत की बात यह है कि ये सभी अभी प्रभावी है। दरअसल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग परीक्षण संस्थान से लाइसेंस के लिए पंजीकरण जो है आप करा सकते हैं। वह यदि जो आवेदक जो है आवश्यक परीक्षण अगर पास कर लेता है तो उन्हें स्कूल से प्रमाण पत्र जो है प्राप्त होगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर जो है आवेदक अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकेंगे। वही दोपहिया तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए जो है प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि उपलब्ध यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि मध्यम और भारी यात्री महल वाहन और ट्रेलरों के लिए केंद्र के लिए 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ये यहाँ पर सिखाने वाले लोगों के लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण डिटेल सामने आई है। हालांकि मोटर वाहनों पर कोर्स यहाँ पर चलाने के लिए जो है अधिकतम 4 सप्ताह और 29 घंटों का समय जो है वो दिया गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है, रेलवे ने शिव भक्तों को दिया है तोहफा, महाशिवरात्रि के मेले के लिए चलाई है स्पेशल ट्रेन। शिवरात्रि का त्यौहार जो है 8 तारीख को मनाया जाएगा, इससे पहले जो है रेलवे ने भक्तों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ में जो है आज से जो है 9 तारीख तक जो है महाशिवरात्रि मेला लगने वाला है। इसके लिए जो है आज से 9 तारीख तक जो है मीटर गेज सेक्शन में जूनागढ़ के काशीन्यास के बीच जो है जूनागढ़ काशीन्यास जूनागढ़ महाशिवरात्रि मेला स्पेशल ट्रेन जो है चलेगी। यही नहीं, मेले के दौरान यात्रियों को कन्फर्म सीट के लिए परेशानी ना हो इसके लिए 7 जोड़ी ट्रेनों को यहाँ पर, मतलब 7 जोड़ी ट्रेनों में जो है अतिरिक्त कोच भी जो है वो लगाए जाएंगे। वही भावनगर डिवीजन के सीनियर जो यहाँ पर DCM जो है उन्होंने यहाँ पर बताया कि जूनागढ़ से काशीन्यास चलने वाली मेला स्पेशल ट्रेन जो है जूनागढ़ से 11:10 पर ये प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन दोपहर 1:20 पर काशीन्यास पहुँचेगी। वही वापसी में इससे यहाँ पर वापसी भी ये ट्रेन यहाँ पर ये करेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है दिव्यांगजनों के लिए कुछ खबरें देखिए। दिव्यांगों को अब बस किराए में मिलेगी 50% छूट, MP सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है राज्य में विकलांग लोगों के लिए जो है बस किराए में 50% छूट की पेशकश की है, यानी बस किराए में 50% छूट मिलेगी। दिव्यांग व्यक्ति को अपना जो UDID कार्ड जो है वो दिखाने पर ये छूट जो है वो मिलेगी। वह राज्य परिवहन आयुक्त ने संबंध में जो है सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। वह विशेष विकलांगता ID केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को सक्षम
प्राधिकारी से जो प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पर इसे जारी यहाँ पर की जाती है। यूनिक आईडी केंद्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी यहाँ पर किया जाता है। वह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी परियोजना जो है शुरू की गई है। इसके तहत दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी देखिए, राशन की दुकानों पर मिलेगा इस खास योजना का लाभ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड के लिए जो है पूरे यहाँ पर बिहार के अंदर जो है जन वितरण कैंप जो है लगाए जा रहे हैं। वही राशन की दुकानों पर कैंप लगाकर लोगों को कार्ड जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इसकी तैयारी जो है बिहार के अंदर पूरी हो गई है। अब जिला स्वास्थ्य समिति के प्रभारी जिला कार्यक्रम के समन्वयक जो है वो उन्होंने यहाँ पर बताया कि राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड एवं खाद्य आपूर्ति विभाग, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर स्तर पर इसको लेकर तैयारी है। उन्होंने बताया कि एक लाभार्थी को कार्ड बनाने के लिए सभी राशन की दुकानों पर जो है कैंप जो है उनका आयोजन किया जाएगा और लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। कार्ड के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। वैसे लोगों जिनका नाम राशन कार्ड में अंकित है सभी लोगों के कार्ड जो है वो बनेंगे।